नमस्कार फ्रेंड, योगा की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई ब्लाउज का बहुत ही सुंदर डिज़ाइन, जो सिर्फ एक खुद ही कलर, एक ही कलर का बनने वाला है और उसमें हम लोग मोती लगाने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ सके। ब्लाउज की डिज़ाइन, इस ब्लाउज में हम लोगों को दो नेक काटने हैं, एक ढाई इंच पे काटना है और एक अपने को काटना है 4 इंच पे, क्योंकि जो बीच का 1.5 इंच है उस पर हम लोग डिज़ाइन डालेंगे। सबसे पहले हमें 4 इंच लंबाई और 10 इंच चौड़ाई का हमने ये नेक कट कर दिया। इसमें से ये कट करने के बाद जो छोटा नेक है वो लोग हम लोगों को पेपर पे ड्रॉ करना है। पेपर पे हम लोगों को वही 2.5 इंच चौड़ाई का और 8.5 इंच हमें लंबाई चाहिए। ये राउंड शेप हमने इस पेपर पे रेडी कर दी। फ्रेंड्स, अब इस पर जो हमें डिज़ाइन बनानी है उसके लिए हम लोगों को इस तरीके की पट्टियाँ रेडी करनी है। ये पट्टी हम लोगों को 2 इंच की चौड़ाई की करनी है, 2 या 2.25 इंच तक की हमें चौड़ाई की करनी है। ये रेडी करने के बाद हम लोग फ्रेंड्स, सबसे पहले जो ये पेपर है इस पेपर पे हम लोग इस डिज़ाइन को अटैच कर देंगे। ये राउंड हमने पूरा ड्रॉ कर रखा है, इस राउंड को ड्रॉ कर रखा है। अब इस जगह पे हम लोग इस पट्टियों को इस तरीके से सबसे पहले लगा देंगे। ये इस तरीके से हम लोग यहाँ से मशीन से इसको अटैच कर देंगे। फ्रेंड्स, ये हमने पूरा जो पैन का सर्कल बनाया था राउंड शेप, उस पर हमने इन पट्टियों को इस तरीके से लगा दिया। अब हम लोग एक उरेवी पट्टी ले लेंगे हम लोग 1.25 इंच की, और उसको इस पर इस तरीके से हम लोग डबल लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये सिलाई हमने लगा दी। अब ये जो पट्टी हमने इस पर पूरी रेडी की थी, ये बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ से हम लोग इस तरीके सेट करके और एक सिलाई यहाँ लगा देंगे और एक सिलाई इस पर एक प्रेशर फुट की डिस्टेंस पे पूरे पे लगा देंगे। ये हमारा बिल्कुल, हमने यहाँ सिलाई लगा दी है। अब इस पर हम लोग मोती लगा के और ये डिज़ाइन बनाएंगे। फर्स्ट हमारे ये शोल्डर में आने वाला है और सेकंड को हमने ये यहाँ से इस तरीके से देखिए बिल्कुल बारीक 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 टक लेते हुए हम लोग इस तरीके से ले लेंगे। एक ही बटरफ्लाई रेडी करने के बाद इसमें हम लोग मोती लगाएंगे। ये मोती लगा के इस तरीके से इसे हमने पैक कर लिया। देखिए फिर ये इस तरीके से हमने टक लगा के इसको यूँ खींच लेना और इस जगह हम लोग ये मोती लगा देंगे। फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम लोग इस पूरी जो नेक की पट्टी है इसे लगाते जाएंगे। ये फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम इस पूरी पट्टी को रेडी कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये नेक हमारा बिल्कुल रेडी है और बहुत सुंदर दिख रहा है। इसके लिए मैं आपको 2 टिप्स देना चाहती हूँ। फर्स्ट, जो हमने ये लगाई है इसके अंदर लुपियाँ, इसमें हमने मोती लगाए हैं। इसकी जगह आप मोती अगर नहीं लगाना चाहते तो कॉन्ट्रास्ट में हम लोग धागा यहाँ से लेते हुए हल्की सी कढ़ाई से भी इसको अटैच करते जाएंगे। एंड सेकंड, जो हमने इसको सिंगल कलर में ही दिया है तो भी ये बहुत सुंदर लग रहा है, नहीं तो इसके जो बॉर्डर में ये गोल्डन कलर है, यही गोल्डन कलर की पाइपिंग हम लोग यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कुछ नहीं आए समझ में तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप सिलाई सीखते रहिए। धन्यवाद।